जी बात करेंगे नॉलेज टेक्सानोमीज़ की कि जब हम नॉलेज को कोडिफाई कर रहे हैं तो टेक्सानोमीज से हमारा वास्ता पड़ता है नॉलेज टेक्सानोमीज क्या है कि वंस की कंसेप्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड कैप्चर्ड दे कैन बी अरेंज इन हर आर की एक तरतीब में लाना है एक ऑर्गेनाइजेशन में लाना है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल नॉलेज टेक्सानोमी एक ख़ास शेप में हम उसे लाएंगे जिसको हम स्ट्रक्चरल नॉलेज टक्सानोमी बोलेंगे नॉलेज टक्सानोमीज अलाउ नॉलेज टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज या हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने कॉन्सेप्ट हैं जो वहाँ पे प्रोसेस हैं जो चीज़ें वहाँ बन रही हैं या नॉलेज के जो अकसाम हमारे सामने आई हैं उनको हम एक ख़ास तरतीब देंगे उस ख़ास तरतीब को हम नॉलेज टिकसानोमी कह रहे हैं और इसमें होता क्या है कि जो कन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बन जाएगी उसमें उस कन्सेप्ट का एक नाम रखा जाएगा और उस कन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया जाएगा कि उसके उसमें क्या क्या शामिल है क्या क्या शामिल नहीं है उसकी एक एक्सप्लिसिट टाइप की एक डेफिनेशन बनेगी और इस तरीके से ये जो लिस्ट बनेगी इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है नॉलेज डिक्शनरी की इट इज़ अ वे टू कीप ट्रैक ऑफ की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स दैट आर यूज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो एक नॉलेज डिक्शनरी बनेगी इसमें कि टेक्सोनोमीज आर बेसिक क्लासीफिकेशन सिस्टम्स दैट इनेबल अस टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड देयर डिपेंडेंसीज के कंसेप्ट मेजर क्या है उसके फिर पार्ट्स क्या हैं या उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं या उसके जैली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं टिपिकली इना हरार्किकल फैशन एक खास लॉजिकल एक तरतीब से एक ऑर्डर से उनको लिखा जाता है द हायर अप द कन्सेप्ट इज़ प्लेस्ड द मोर जनरल और जेनेरिक द इज़ जो कन्सेप्ट जनरल नेचर का होगा वो ऊपर होगा और जो फिर स्पेसिफ़िक नेचर का होगा वो नीचे लिखा जाएगा इसकी मिसाल आप देखिए कि जैसे यहाँ पे आ, प्लांट्स की बात की गई है तो प्लांट्स एक टाइप है उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं आप देखिए हाउस प्लांट्स हैं लैंडस्केपिंग प्लांट्स हैं और नेटिव या वाइल्ड प्लांट्स हैं उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे लैंडस्केपिंग प्लांट्स हैं तो उसकी फर्दर डिवीजन है ट्रीज़ हैं ग्राउंड कवर है इसी तरह से अगर हाउस प्लांट्स की बात की जाए तो फॉलिज है फ्लावरिंग है कैक्टस है इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी टाइप्स बताई गई हैं तो आप देखें कि जितना ऊपर कोई कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो ब्रॉडर या जनरल नेचर का है और जैसे जैसे स्पेसिफाई होता चला जाता है वो उसकी जगह नीचे आती जाती है और इनके दरम्यान जो है वो रिलेशनशिप के लिए इसमें लाइंस और एरो भी दिए गए हैं इसके साथ साथ ये है कि एक कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस के यहाँ मीनिंग ये हैं कि ईच नोड इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द नोड अबाव इट कि एक जो सब कंसेप्ट है वो अपने ब्रॉडर कंसेप्ट का एक ब्रांच या उसका एक पार्ट है अब इसका नतीजा क्या है कि ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हायर लेवल नोड आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कि जो कुछ पेरेंट में होता है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ उस चाइल्ड कंसेप्ट के अंदर भी शामिल हो जाती हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है इसकी मिसाल ये है इफ़ द हायर लेवल नोड इज़ अ हाउस प्लांट एंड द लोअर लेवल नोड्स आर फोलियज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ ऑफ दीज टू सब ग्रुप्स प्रोजेस ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस प्लान्ट जो उसके ब्रॉडर कंसेप्ट के उसकी जो क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रांच के भी हैं इन फैक्ट टक्सानोमीज़ औरिजिनेट एज़ बायोलॉजिकल क्लासीफेसन स्कीम्स ये जो uh, इंसान हैं जानवर हैं और जो परिंदे हैं और जो हशरात हैं और जो बोटेनिकल एलिमेंट्स हैं इन सब की जो क्लासीफेसन uh, स्कीम बनाई गई तो टेक्सानोमी का जो लफ्स है वो वहाँ से जनरेट हुआ कि उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को टेक्सानोमी कहा गया तो वही टर्म जो है यहाँ नॉलेज में भी इस्तेमाल की जाने लगी आ, इसमें आप जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज टेक्सानोमी कैसी होती है तो इसमें क्या है कि कंसेंसस बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जो भी एम्प्लॉज हैं टॉप मैनेजमेंट हो मिडल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल की मैनेजमेंट हो थर्ड uh, ईयर जो है इन सब का uh, किसी भी टर्म के ऊपर उसकी डेफिनेशन के ऊपर इतफाक़ होना ज़रूरी है इतफाक़ अगर होगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे कंसेंसिस इज़ वाइटल बिकॉज द टेक्सोनोमी सर्व्स टू हेल्प अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डज दिस बाय हेल्पिंग नॉलेज वर्कर्स कम्युनिकेट बेटर कोड नॉलेज बेटर आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो सकेगी नॉलेज की कोडिंग अच्छे तरीके से हो सकेगी एंड ऑर्गेनाइज दिस कोडेड नॉलेज इन सच वे दैट इट कैन बी यूज बाई एवरी वन टूडे एंड बाई वर्कर्स ऑफ द फ्यूचर आज के एम्प्लाईज़ को भी इसकी ज़रूरत है फ्यूचर के वर्कर्स को भी इसकी ज़रूरत है अगर टेक्नोलॉजी में इख्तलाफ होगा तो वो इसको ले कर नहीं चल सकेंगे अंडरस्टैंडिंग में गैप आएगा और सही तरीके से उस नॉलेज से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे वन दे नीड टू रिट्रीव एंड मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज यहाँ पे एक कन्सेप्ट और है जिससे हमारा सामना होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाजेशनल थीथॉरस के कंसेप्ट कौन कौन से हैं उनकी डेफिनीशन क्या क्या है और उन कन्सेप्ट में से कौन से ब्रॉडर और कौन से नैरो हैं और उनके दरम्या किस तरह का ऑर्डर है आप जब इसकी एक लिस्ट बना लेंगे तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल थरस बोलेंगे तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने कंसेप्टस का एक थसारस बना के अपने पास रखते हैं तो हम उस टेक्सानोमी का एक नतीजा कह सकते हैं कि जिसके नतीजे में इस तरह का एक थसारस जो है वो वजूद में आता है